ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. जहां हम है वहां से निकल करके जो हम है वहां पहुंचने की प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं. हम कहां है दुनिया में भटक रहे और हम क्या है भटकने वाले. तो दुनिया से हटे और अपने स्वरूप में वापस लौट आए यही अध्यात्म है. तो इसीलिए जो साधना है वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का जो महत्व है वो हमारे मन से मिट जाए, क्योंकि जिसको हम महत्व देते हैं उसके पीछे लग जाते हैं. तो यदि हमने दुनिया को महत्व दिया तो हमारे लिए आध्यात्मिक साधना माने क्या, सेवा करना, दुनिया का भला करना, उसके बाद अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट से भारत रत्न मिलने के बाद उसका फोटो निकाल के लगा देना, यह अध्यात्म नहीं है. इसको कोई मतलब ही नहीं अध्यात्म से. फिर जगत से हटे, फिर आ गए अपने शरीर पर, पूरा जीवन अपने शरीर को स्वस्थ रखना इसी में चला जाता है, क्योंकि उसको महत्व दिया है. वहां से निकले फिर आ गए अपने इंद्रियों में, और इंद्रियों की खुजली को पूरा करने का असफल प्रयत्न, यही जीवन में ये भोग प्रधान जीवन हो जाता है. वहां से हटे फिर आ गए मन में, हमेशा ये भिन्न भिन्न भावनाओं के प्रभाव में आकर के रोना धोना, लोगों से अटेंशन सीक करना. देखो एक अम्मा मुझे मिली और बहुत ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातों की कुछ कमी नहीं. जैसे मुझे कितने लोग भेजते हैं ये व्हाट्सएप, और सभी के सभी मुझे ज्ञान देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है. मैंने उनको दूसरा कोई मिला नहीं है, पकड़ पकड़ के लो. गुड फ्राइडे, गुड सैटरडे, गुड मॉर्निंग मंडे, वो भी याद दिलाते कि आज ये दिन है, याद रखो. तो ऐसे जो लोग हैं कुछ समय तक तो ठीक ठाक चलेंगे, और फिर यदि उनको जितना महत्व चाहिए उतना नहीं मिला तो फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं. तो व्यक्ति फिर इंद्रियों से निकल करके मन में आ जाता है. फिर मन में समझो हम ऊपर उठ गए तो फिर बुद्धि में फंसा, कौन्योस्ति सदृशो मया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पूरा जीवन उसी में लग जाता है. अपने स्वरूप के तरफ ध्यान देना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आती. और इसीलिए ये योगाभ्यास जो बताते हैं वो योगाभ्यास हम किस लिए कर रहे हैं, ये चीज हमने आपको दसों बार बताई है, और भगवान की कृपा से आप भूल जाते हो, इसीलिए मैं वही चीज को रिपीट कर सकता हूं. जितना आप भूल जाओगे उतना मेरे लिए अच्छा है. केवल दो बातें हैं अध्यात्म का तात्पर्य, तीसरी बात नहीं, केवल दो बात. एक बात है देहात्म भाव की निवृत्ति. यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हो रही हो और आप चाहे कुछ भी कर रहे हो तो उल्टे घड़े में पानी भरने का प्रयत्न. और दूसरी बात ये जीवात्म भाव से मुक्त होना है. पापो हम पाप कर्मा हम,
जब तक कि ये दो चीजें हमको समझ में नहीं आएगी तो हम उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। और इसीलिए योगाभ्यास एक तो प्रकृति प्रधान होता है और दूसरा चैतन्य प्रधान होता है। योगाभ्यास वही है। देखो जैसे एक बूढ़ा कपल था और वो जो बूढ़ी अम्मा थी उसको एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था, किचन में खाना बनाने का, और खाना नया नया कुछ सीखती थी और बना करके पति पर एक्सपेरिमेंट करती थी। तो एक दिन शाम के समय उसने कहा कि देखो वही उठ जाओ भाई, एक हाथ बूढ़ा उठ जाओ, हाँ आप उधर बैठो भाई। तो उन्होंने कहा पति देव से कि चलो आज मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूं। पति ने कहा रोज ही सरप्राइज होता है, आज का थोड़ी है। तो खाना बनाया और लगाया और बोले आज कैंडल लाइट डिनर है, क्रिसमस आ रहा है ना तो कैंडल लाइट डिनर है। बोले ठीक है, और गए बैठे और खाने के लिए कोई घटिया चीज बना के रख दी, और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं, ये मेरा नित्य अनुभव है। आप घटिया बनाओ और मेरे से अच्छा कहलवाओ, कितना मैं पाप लूं, इसीलिए मैं जप करता हूं पाप के निवारण के लिए। तो उसने देखा कि कुछ बोल ही नहीं रहे, खाए जा रहे हैं। भाई तुमको आज के इसमें क्या अच्छा लगा? अब वो बेचारा देख रहा इधर उधर का, क्या कहूं अब, बोले कैंडल अच्छे है। डाइनिंग टेबल पर जब कैंडल की तारीफ होती है तो खाना क्या है समझदार को इशारा काफी है। इसी प्रकार से हम जो योगाभ्यास कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। देखो और पतंजलि क्या कहते हैं, योगा हा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति की तरफ तो ध्यान ही नहीं, पूरा का पूरा ध्यान केवल शरीर के तरफ, क्योंकि हमने प्रकृति को महत्व दिया है। और दूसरा जो योगाभ्यास है, यदि वो योगाभ्यास अपने स्वरूप के तरफ मुड़ने के लिए कर रहे हैं तब वो योगाभ्यास चैतन्य प्रधान होगा। यह चैतन्य प्रधान योगाभ्यास की प्रक्रिया हमको इस तेजोबिंदु उपनिषद में बताई जा रही है। इसीलिए जो पतंजलि ने 8 बताए, इन्होंने यह 15 बताए। तो ये जो 15 भिन्न प्रकार के साधना है उसके द्वारा हम अपने स्वरूप में वापस लौट आए, यही अध्यात्म है, बाकी सब केवल परेशानी मात्र है। तो हमने कल देखा था मौन किसको कहते हैं। तो नॉर्मली मौन कहते हैं बोलो मत किसी से, अपने आप से मत बोलो, पब्लिक से बोलो। तो इति वा तद् भवेत् मौनम सर्वम सहज संजितम, गिरा मौनम तु बालानाम अयुक्तम ब्रह्मवादिनाम। ब्रह्मवादी माने जो तत्व के अन्वेषण में लगे हैं, जो अपने को पहचानने में लगे हैं, उनके लिए गिरा मौनम तु बालानाम, या बच्चों की बात है मुंह बंद करके रहना। फिर क्या कहते हैं कि सर्वम सहज संनिधम, बिना किसी प्रयत्न से मन शांत है, वो मौन है। देखो मन शांत है, डिप्रेस नहीं है। जो डिप्रेशन में होते हैं उनका भी मन शांत होता है, लेकिन उनके अंदर में सब जहर भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है। यहां तक हमने देखा था। फिर आगे बताते हैं, आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येने द सततम व्याप्तम सदेशो विजन स्प्रदहा। अब हमको एकांत देश में जाकर के बैठ के साधना करनी है। एकांत देश कहाँ है? आप कहीं भी जाओ, आप हो वहां। देखो एक गुरु महाराज ने अपने शिष्य को चुनने के लिए दो चेलों को बुलाया,
कि कोई मेरे गद्दी पर बैठेगा और उन्होंने कहा चेलों को कि ये माचिस है इसकी सब तीलियां जला करके वापस ले आओ लेकिन ऐसी जगह जलाना जहां कोई नहीं देख रहा हो तो जो स्ट्रीट स्मार्ट था वो बाथरूम में गया फटाफट जला करके ले आया 15 मिनट में दूसरा जो था वो आया नहीं तो गुरु महाराज ने कहा जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट कैसा देंगे तो उसके बाद दूसरे दिन वो आया बिना जलाए बोले तुमने नहीं किया बोले नहीं महाराज क्योंकि आपने कहा जब कोई नहीं होगा जहां कोई नहीं होगा वहां आप जलाओ जहां मैं जाता था मैं तो था ही ना कोई कैसे नहीं है देखो एक ने क्या समझा दूसरा नहीं है हम तो है ना यह जो सूक्ष्मता है दृष्टि की इस सूक्ष्मता को बताने के लिए बताते हैं कि आदावंते च मध्य जलो यस्मिन् न विद्यते अपने स्वरूप में अन्य नहीं है एकमेव अद्वितीय देखो अन्य की प्रतीति मन के द्वारा आकाश को कल्पित करने से होती है आकाश से ही दुनिया का प्रारंभ है आकाश के पहले परमात्मा है तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु आकाश से वायु निकला माने गति शुरू हो गई जहां गति है वहां संसार है जहां गति नहीं है वहां परमात्मा है गति शांत हो जाए अविचित्र बात क्या है हम सबको पता है इन पता है यही पता नहीं इसीलिए कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जब ध्यान के लिए बैठता है तो बिना कहे हां आप शांत बैठो फिर शांत कहा शरीर को हिलना नहीं शरीर की गति खत्म हो गई फिर प्राण की गति तो खत्म हो ही नहीं सकती फिर मन की गति मन में विचार नहीं आने चाहिए और उसको लेकर के परेशान तो और परेशानी बढ़ गई और गति आ गई तो जहां गति है वहां संसार है और गति हमेशा अन्य को लेकर के होती है गति का प्रारंभ चैतन्य में जब गति आ गई तब उसको मन कहते हैं मन की गति रुक गई तो उसको चैतन्य कहते हैं चैतन्य में गति आ गई तो उस गति के प्रभाव को वृत्ति कहते हैं विचार कहते हैं और इसीलिए कोई भी विचार आप ले लो कोई भी वृत्ति ले लो हर एक वृत्ति हर एक विचार हमको अपने आप से दूर ले जाता है तो अल्टीमेट साधना यही है कि जहां कोई नहीं है वही विजन देश है अन्य की निर्मिति होती है आकाश के कारण यदि आकाश नहीं है तो अन्य नहीं है तो आदावंती च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येन इदं सततं व्याप्तम् देखो ध्यान से सुनना बड़ा सूक्ष्म विषय है दर्पण में जो अनेक वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ा है दो विषय दो वस्तुओं के बीच में वस्तुओं का अभाव है लेकिन उस अभाव में भी दर्पण तो है ना तो जहां प्रतिबिंब है क्या वहां दर्पण पर प्रभाव पड़ा है और जहां प्रतिबिंब नहीं है क्या दर्पण में कोई हानि हुई है माने चाहे प्रतिबिंब रहे न रहे इसका दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं तो दर्पण के प्रतिबिंब की क्या स्थिति है वह दो प्रकार की है
एक तो वो प्रतिबिंब होने के कारण इसका दर्पण पर प्रभाव नहीं, और दूसरा दर्पण ही सब कुछ बना है। दो दृष्टि से देखो, यदि दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं है, दर्पण की मोटाई कितनी है 0.1 mm, और उसके सामने 5 फुट 10 फुट पर कोई एक वस्तु रखो, तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी 5-10 फुट अंदर दिखेगा, तो क्या वो इतना मोटा हो गया दर्पण? तो ये विषय का, वस्तु का दर्पण में प्रवेश कैसे हुआ है? प्रवेश रहित प्रवेश, एंट्रेंस विदाउट एंट्री, क्योंकि वो प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? मैं आप सबको देख रहा हूं, तो क्या सब आप मेरे अंदर घुस गए? प्रतीति मात्र है। देखो संतो, इसीलिए इस जगत को देखने की दो दृष्टियां यहां बताते हैं। एक दृष्टि यह है, जगत को प्रतीति मात्र स्वीकार करें। प्रतीति होने के लिए परिस्थिति विशेष की अपेक्षा होती है, प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की अपेक्षा है। दर्पण नहीं होगा तो प्रतिबिंब कैसे होगा? विषय की सिद्धि होती है इंद्रियों के कारण। जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं, जिसको श्रवण शक्ति नहीं है उसके लिए शब्द की सत्ता नहीं। देखो संतो, पकड़ो इसको एक बार। तो या तो इस जगत को प्रतीति मात्र स्वीकार करके उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, या तो जैसे दर्पण ही सब कुछ बना है। उपनिषद कहती है, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहक शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः, जिसने इस एक तत्व को स्वरूप से पहचान लिया है उसके लिए सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, एक ही दर्पण सब कुछ बना है, मैं ही सब कुछ है। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे माता पिता नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो मेरी समस्या नहीं, ये सब का आधार एक मैं मात्र है महाराज। तो विजन देश कौन सा हो गया, जहां अन्य की प्रतीति होते हुए भी उस प्रतीति का प्रभाव नहीं रहता, उस स्थिति में सहजता से रहना, उसको कहते हैं सदेशो विजन स्मृतः। वह देश है, वह स्थान है जिसमें कोई भी नहीं है और कोई दिखता है तो प्रतीति मात्र है। अब ये जो रस्सी पर सांप दिखता है, ये कहां दिख रहा है? जैसे टेबल पर पुस्तक है, क्या वैसे रस्सी पर सांप है? नहीं। जैसे एक कोई क्रीपर वेला एक पेड़ को लपेट के ऊपर चढ़ती है, क्या वैसे सांप ने रस्सी को लपेट के बैठा है? नहीं। क्या सांप हमारे आंखों में है? नहीं। कहां है वो सांप? जो न होते हुए प्रतीत होता है उसको मिथ्या कहते हैं। और इसीलिए जब हमने ये जान लिया, अनुभव कर लिया कि हमने योग्य प्रमाण का प्रयोग किया, टॉर्च ले गए, आंखें क्लियर कर ली और हाथ में डंडा ले लिया ताकि सांप को मारे, तो निकले थे सांप का दर्शन करने के लिए, लेकिन दिखा क्या? रस्सी। और एक बार आपको रस्सी दिख गई तो आप अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखेंगे क्या? नहीं, आप ये तो रस्सी है, वो तो ठीक हो गया, लेकिन वो सांप कहां गया यार? करोगे?
जिसने इस तत्व को पहचान लिया है वो तो दुनिया को लेके परेशान होना अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसकी स्थिति कैसी है, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, खेलते समय बड़े को जीतना हारना ये कोई मतलब नहीं है, जब तक के खाना तैयार नहीं होता तब तक टाइम पास करना है, लेकिन उस बच्चे के लिए इट इज एन इश्यू, मुझे जीतना है। देखो महाराज, ये विजन देश है, नहीं तो जाकर के दरवाजे खिड़कियां बंद करेंगे, बाहर बोर्ड लगाएंगे, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर सेल्फ डिस्टर्ब। महाराज ये सब कार्टून होते हैं, इसे कुछ नहीं तो जाकर के समुद्र के किनारे बैठेंगे। योगा वाले देखो क्लिफ में जाकर के वहां एक टांग पर खड़ा रह करके हाथ ऊपर करके सूर्य को देख रहे, सूर्य को दिखा रहे लो, ये कोई अध्यात्म है, नौटंकी है। आदा अवंते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजन स्मृतः। तो ये विजन देश आपको पहचानना है, देखना है तो बहुत ही सरल है। जिस प्रकार से आप वेदांत का श्रवण करते हो उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। वेदांत में आपको क्या बताया, आप साक्षात ब्रह्म हो, हाँ हम ब्रह्म हैं। दुनिया क्या बता दिए, तुम बेवकूफ हो। मुझे बेवकूफ क्यों कहा, माने ब्रह्म हो ये नहीं माना, बेवकूफ हो ये मान लिया, अब जो है वही तो करेंगे। देखो महाराज, अध्यात्म ऐसा जंगलों में पहाड़ों में घूमने में भटकने में नहीं है, वो प्रकृति प्रधान है, वो चैतन्य प्रधान नहीं है। कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टं यकंडानंदमद्वयम्। सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कल्पना, ये जो हर चीज में जो नित्य निरंतर परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन का जो आधार है, जिसका परिवर्तन नहीं होता, उस तत्व को कहते हैं काल। कल हमने आपको बताया था काल माने एक घंटा दो घंटा नहीं, और ये कैसा है, अखंडानंदम अद्वयम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो सभी परिवर्तनों का आधार है। इसको भी आप पकड़ के बैठते हो कितना सहज हो जाता है। आकाश चार महाभूतों को आधार देता है, लेकिन आकाश इन चार महाभूतों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो ये साधना करने के लिए करना क्या है, जगत में जितने वस्तु है, चार वस्तु है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चार वस्तुओं से आकाश प्रभावित नहीं होता। हम भी जगत में रहने वाली किसी भी वस्तु से प्रभावित न होवे, माने संग्रह वृत्ति खत्म हो जाए। यदि विषयों का संग्रह करना ये हमारे बुद्धि से हट जाए तो हमने पहली स्टेप पूरी करी, भूताकाश को पकड़ लिया, अब बाहर की चीजें हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है मालूम है, आदमी वस्तुओं के अभाव का अभिमान कर लेता है। अभिमान दो प्रकार का है, होने का नहीं होने का। जिसके पास पैसा है, कमाया है, मेहनत करी है, राम राम करने से कुछ नहीं होता, जीभ काटनी पड़ती है, गला काटना पड़ता है तब पैसा मिलता है। क्यों बाबा ऐसा कर रहे हो, नहीं टेलरिंग का धंधा है, इसलिए टेलर लोग जीभ काटते हैं, गला काटते हैं। तो पैसे होने का अभिमान, और जिसके पास नहीं है
हम तो बाबा गरीब है, हमारे पास कहाँ है, ये दोनों एक ही उपाधि के अभिमान है। देखो, बच्चा होने का अभिमान, बच्चा नहीं होने का अभिमान, ज्ञान होने का अभिमान, ज्ञान नहीं होने का अभिमान, किसी भी उपाधि में फंसे तो वो अभिमान है। तो पहली साधना ये जगत के वस्तु विषय हम पर प्रभाव न डाले। और कैसे प्रभाव डालते हैं दुनिया की वस्तु हम पर, तीन स्टेजेस में से। और ये सिद्धांत हमारे टेली मार्केटिंग वालों को पता है। सिद्धांत ये है, पहले जानाति, फिर इच्छति, फिर करोति। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में इच्छा नहीं होती, जिसके बारे में इच्छा नहीं होती उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं होता। देखो तो आपको टीवी में बताते हैं ये अमुक अमुक ऐसी वस्तु है और बड़ी सस्ती है, ये करने से अमुक अमुक होगा, इसमें आप कपड़े डाल दो उधर से एकदम प्रेस होकर के फोल्ड होकर के डायरेक्टली आपके अलमीरा में घुस जाएंगे। अच्छा, माने जितना आलसी हो सके उतने आलसी हो जाए। तो ओरिजिनल कीमत इसके 5 लाख रुपए, अभी ऑर्डर करो तो 3 लाख रुपए तुरंत ऑर्डर हो गई, मशीन आ गई। सवाल यह रखे कहां, घर है कबूतर खाना। देखो संतो, इस चक्कर से अपने आप को बचावे। इसीलिए साधना क्या है, संग्रह की बुद्धि त्याग दे, फिर वहां से तो निकल गए। अब दूसरी समस्या आती है, अपने ही वृत्तियों से परेशान है। तो नॉर्मली आप देखेंगे बूढ़े लोग मन को लेकर के कंप्लेन करते हैं, बच्चे कंप्लेन नहीं करते, बच्चे इंक्वायरी करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो मन में बड़े विचार आ रहे, परेशान हो रहे, तो जैसे हम भूताकाश में बैठे तो विषय हमको परेशान नहीं करेंगे, इसी प्रकार से चित्ताकाश में बैठो तो विचार या वृत्तियां हमको परेशान नहीं करेगी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, चिंतन, बाकी कुछ नहीं। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। तो चिंतन क्या करना है, जिस वस्तु को विषय को हमने महत्व दिया है वही हमारे मन में वृत्तियां निर्माण करने का कारण बन जाता है। कोई भी विषय जब मन में महत्व के रूप में प्रवेश करता है तो इट इज अ फॉरेन बॉडी। जहां कहीं हाथ पैर में फॉरेन बॉडी चली जाए तो वहां टिश्यू रिएक्शन करता है, फूलने लगेगा, दर्द होगा वहां और गर्म होगा। और जब तक ये फॉरेन बॉडी को नहीं निकालेंगे तब तक परेशान रहेंगे। इसी प्रकार से दुनिया के विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं फॉरेन बॉडी के रूप में, और वो प्रवेश होता है केवल राग द्वेष के द्वारा। और जहां उस विषय ने प्रवेश कर लिया वहां उस स्थान पर अब हमारे मन के रिएक्शन शुरू हो गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ माइंड इज थॉट। और जहां इन्फ्लेमेशन होगा वहां दर्द होगा। देखो तो करने क्या है साधना, जगत में सबको डिलीट कर डालो, कोई महत्व का नहीं है, ना दोस्त ना दुश्मन। देखो किसी भी चीज को हमने महत्व दिया है तो हमको ही उसको डी वैल्यू करना पड़ेगा, नोबडी कैन डू इट फॉर अस। देखो जैसे कई लोग परफेक्शन में बड़े दुराग्रही होते हैं, परफेक्शन चाहिए हर चीज में, अच्छी बात है रखो परफेक्शन, लेकिन ये लोग दूसरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं
और ये कभी नहीं होगा। नेट रिजल्ट ये दुखी हो गए, लेकिन क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट है परफेक्टली दुखी हो गए। हर जगह परफेक्शन आ गया ना। किसी भी चीज को महत्व दो, वो आपके मन में वृत्तियों को निर्माण करने का कारण बन जाता है। तब जाकर के हम चित्ताकाश में प्रवेश कर चुके हैं। देखो, और जब विषय स्थूलाकाश में प्रवेश करने से नष्ट व परेशान नहीं करते, उसी प्रकार से जो संबंध है, देखो संग्रह विषयों का, संबंध व्यक्तियों का, जगत में संग्रह और संबंध ये दो ही हमको परेशान करने वाली चीजें हैं। गहरी नींद में ना कोई संग्रह है ना कोई संबंध है, तो ना कोई विचार है, तो क्या है? आनंद ही आनंद है। और जब आदमी खुश होता है तो आवाज करता है। देखो, शादियां जब होती है तो एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी, मैं शादी करने जा रहा हूं, आपका एडवाइस चाहिए। बोले, ये करो, कुछ तो भी उल्टी चीज बता दी, ये करो। बोले, नहीं ये नहीं करता। बोले, ये करो, ये नहीं करता मैं, ये करो। चार छह बार कहने के बाद उसने कहा, अच्छा कर लूंगा। बोले, आप शादी कर लो। बोले, ऐसा क्यों? यही तुमको ट्रेनिंग दिया है। जब बिना किसी कारण से तुम हाँ कहना सीखोगे, तब तुम शादी के लिए क्वालिफाइड हो गए। और फिर उसने कहा, और मैं तुमको ये उपदेश इसलिए दिया कि आज तुम्हारे जीवन का सुख का अंतिम दिवस है, कल से फिर वही तमाकू वही चूना, जिंदगी भर रगड़ते जाओ। इसीलिए काल शब्देन निर्दिष्टः, सभी परिवर्तनों का जो आधार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको कहते हैं काल। और फिर तीसरे आकाश आता है चिदाकाश। चिदाकाश में मैं तू तू नहीं। देखो, तीन बातें हो गए, स्पष्ट समझ लो। संग्रह स्थूल देह को लेकर के, संबंध सूक्ष्म देह को लेकर के, तू तू मैं कारण देह को लेकर के। कारण देह माने अपने आप को गलत समझना। तू तू मैं तू तू, ये तीनों से मुक्त होना, यही अध्यात्म है। इसको कहते हैं काल शब्देन निर्दिष्टम अखंडानंदम अद्वयम्। सुखेनैव भवेद् यस्मिन् अजस्रम् ब्रह्मचिन्तनम् आसनम् तद्विजानीयात् अन्यत् सुख विनाशनम्। अब कहते हैं कि आसन किसको कहते हैं? जिसमें तत्व चिंतन अखंड चलता रहे वही आसन है, सहजता से। नहीं तो खामोखाम ये आसन को लेकर के इतने परेशान हो जाते हैं। हम तो कोई भी आसन कर सकते हैं। मुझे किसी ने एक भेजा था, एक कोई ब्लैक लड़का, वो दुनिया भर का अपने शरीर को ऐसा घुमाता था माने जैसे कोई डॉल हो, अपनी ही टांग लेकर के ऐसा करके इधर से आकर के वहां से कैप उठा करके सर पे रखता, फिर टांग नीचे चली गई। अरे कोई जरूरत है? और ये जो अपने पेट को अंदर खींचते हैं ना, ये योगी लोग, वो इतना खींचता था कि वो बाहर की हड्डी, पीछे की हड्डी दिखती थी। देखो संतो, क्या करोगे इसको लेकर के? ये आसन नहीं है जिसमें ब्रह्म चिंतन तत्व चिंतन सहज हो सके, वो आसन है। सिद्धे सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमद्वयम् यस्मिन् गति यस्मिन् सिद्धिम् गता सिद्धः तस्सिद्धासनम् उच्यते। आसनों में सिद्धासन को बड़ा महत्व दिया जाता है, सुखासन, सिद्धासन। सिद्धासन किसको कहते हैं? सर्वभूतादि
सिद्धये जगत की सभी वस्तु व्यक्तियों की सिद्धि होने के लिए जिस अधिष्ठान की आवश्यकता है, देखो बिना अधिष्ठान के कल्पना नहीं हो सकती। और जितनी भी ज्ञान है वो कल्पित है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए ये संपूर्ण जो जगत दिख रहा है हमको, ये सभी जगत का अधिष्ठान क्या है, उसमें जिसकी स्थिति है, यस्मिन सिद्धिम गता सिद्धा, तो सभी सिद्धमात्मा इस तत्व में सिद्ध है, उसको कहते हैं सिद्धासन। एक विशेष प्रकार के पोश्चर को नहीं कहते हैं सिद्धासन। लेकिन आप देखेंगे जहां भी कोई बैठा हो शांत हो करके, तो हमारे मन में कैसा भाव आता है, आप रे इतने बड़े योगी है, एकदम कितना स्थिर बैठे। माने जो घूम रहे हैं वो योग, वो क्या सिद्ध पुरुष नहीं है? केवल एक आसन में बैठना ही सब कुछ है। तो आज तक किसी भी महात्मा ने कुछ भी लिखा नहीं होता, हो सकता, क्योंकि बैठे रहो हो गए सिद्ध, ऐसे थोड़ी होता है। तो विश्व अधिष्ठानम अद्वयम, जिन्होंने अपने आप को इस संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान के रूप में पहचान लिया है, ध्यान से सुनना, हम पहचान लेंगे अपने आप को, दुनिया आपको नहीं पहचानेगी, लेकिन आप दुनिया को आत्म रूप से स्वीकार करोगे। देखो मां पहचानती है बेटा मेरा है, लेकिन ये बेटा जब किसी लड़की के चक्कर में पड़ता है तब वो मां ठीक है, लेकिन मैं तो उसी के साथ रहूंगा। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष इस जगत को आत्म रूप से पहचान सकते हैं, लेकिन अज्ञानी उसमें भेद देखते हैं। इसीलिए यस्मिन सिद्धिम गता सिद्धा सिद्धासनम उच्चते। अब आगे कहते हैं, दूसरी बात आती है मूल, यन्मूलम सर्वलोकानाम, यन्मूलम चित्त बंधनम, मूल बंध सदा सेव्यो योग्योसौ ब्रह्मवादिनाम। भिन्न प्रकार के बंध बताए हैं शास्त्रों में, योग शास्त्र में। जैसे एक बंध बताते हैं, कई लोग करते भी है वैसा। अभी हम गए थे कोयम्बतूर के पास, जहाँ योग का बड़ा, ये हठ योग का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ गए थे। वहाँ सभी के सभी बैठे, हम तो दूर से देख रहे हैं, अपने को मजा नहीं आता उसमें, दूर से देख रहे थे। तो कैसा करते हो, ये मध्यमा से नाक को दबा लिया, ये अनामिका और ये कनिष्ठा जो है उससे होठों को दबा दिया। अब मैं बोलू कैसा? अच्छा, उसके बाद ये कानों, ये अंगूठों से कान को ठोक दिए, और ये तर्जनी से आंखों को बंद कर दिया। अब ये हो गया उनका बंद, और बैठे रहेंगे। फिर बताएंगे, देखो आपको जो अंदर ध्वनि आ रही थी ना, अब उसको लगता मैं नहीं कैसे कहूं, गुरु महाराज ने कहा, आती होगी। देखो हाँ आ रही थी, उसको कहते हैं ब्रह्मनाद। अच्छा, ब्रह्मनाद की ब्रह्मनाद ने ब्रह्मनाद, दूसरा बंदा है नीचे से ये अपने पैर की एडी को दबा के रखो, यहां दबा के रखो, और फिर अंदर में हवा कर लो, और नीचे से अपान वायु को ऊपर खींचो। ये सब का सब जो चक्कर है ना, ये अपने फैक्ट्री सेटिंग्स को अपसेट करने का धंधा है। हम लोग फैक्ट्री सेटिंग से नॉर्मल है, फ्री डाउनलोड, नेट रिजल्ट, योर डिवाइस इज हैंगिंग, फिर करें क्या, डिलीट, देयर इज नो ऑप्शन, रिस्टार्ट। एक हमारे मित्र, पता नहीं आजकल कहाँ है, जब हम पढ़ते थे तब की बात, हमेशा वो मुझे कहते थे, यार तू दिन भर पढ़ते रहता है उपनिषद, सोता भी नहीं, कुछ भी नहीं,
कोई योगा किया कर, देखिए आप योगा तू कर मेरे नाम से, मेरे से नहीं होगा। और वो इतना योगा करता था, सब प्रकार के आसन प्राणायाम कुंभक और क्या क्या नहीं क्या करता था, एक भी रोग ऐसा नहीं जिसको उसने छोड़ा है, एक भी रोग। यहां दर्द है वहां दर्द है, हमेशा छाती भरी भरी रहती है। हमने कहा वो दिल है छाती नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम तो बिल्कुल घूमते रहे, तुमको कुछ होता रहे। हमने कहा फैक्ट्री सेटिंग को हमने अपसेट नहीं किया है। देखो ये बंद बंद कर करके आदमी इतना अंदर अंदर में सफोकेट होता है, इस चक्कर में ना पड़े। तो क्या कहते हैं बंधक, इसको कहते हैं यन मूलम सर्व लोकानाम, और यन मूलम चित्त बंधनम, मूल बंध सदा उसको कहते मूल बंध। देखो मूल सर्वलोकानाम यन मूलम, जो सभी विश्व का मूल है। मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। ये मूल है, संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही मुझमें ही प्रकट होती है, मुझसे नहीं मुझमें। लहरें समुद्र से प्रकट नहीं होती, समुद्र में प्रकट होती है। से कहोगे तो अलग हो गया, से अपादाने पंचमी नहीं, अधिकरणे सप्तमी, मुझमें प्रकट होते हैं। मई एव सकलम जातम, सबका सब मुझमें प्रकट हो गया, माने मुझसे अलग नहीं हुआ। यदि मुझसे प्रकट होगा, जैसे मां से बच्चा प्रकट हो जाता है तो वो अलग हो गया, वैसे नहीं। मई एव सकलम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, और इसीलिए सबका सब मुझमें ही है, और सबका सब मई एव लयम याति, सब मुझमें ही वापस लौट के आता है। माने क्या, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। समुद्र कहता है सभी लहरें मुझमें प्रकट होती है, मुझमें ही रहती है, मुझमें ही वापस आती है। तो ये समुद्र ने क्यों कहा, क्योंकि हमारा ध्यान लहरों के तरफ था। समुद्र के दृष्टि से ना तो कोई लहर का जन्म हुआ है, ना तो कोई लहर पर रही है, ना तो किसी लहर का मृत्यु हुआ है। देखो इसीलिए भगवान के दृष्टि से जगत को देखो तो ये सब झमेला जीव जगत ईश्वर सब खत्म हो जाएगा। तो यन मूलम सर्वलोकानाम, ये सब का जो मूल है, और यन मूलम चित्त बंधनम, और इसी मूल तत्व से चित्त तादात्म्य करके जगत के साथ रह करके ये जगत में कल्पना का साम्राज्य करता रहता है। तो जब हमारा चित्त, देखो ये चित्त शब्द की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर दी है, कहते हैं चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासहा जपा रागौ यथा मणौ। चित्त ची ह्रस्व मात्रा, आधा त और फिर पूरा त, चित्त पंजाबी लोग कहते हैं ना, मेरा सत्त चित्त आनंद रूप, सत्तु चित्त आनंद रूप, वो चित्त और चित्त दो शब्द है। तो चित्त में से पूरा त निकाल दो तो क्या बचेगा, चित्त। तो ये पूरा त क्या है, तकारो विषयाध्यासा, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है उसको चित्त कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव है उसको चित्त कहते हैं या चैतन्य कहते हैं। देखो तो चित्त का या चैतन्य का, चित्त होने का कारण क्या है, अनात्म भाव को महत्व दिया है। अनात्म भाव माने ये पेंसिल है इसको मैं जानता हूं, लेकिन मैं पेंसिल नहीं हूं। तो पेंसिल को हमने अनात्म भाव से ग्रहण किया है,
तो ये मन का व्यापार है। लेकिन जब हम अपने बारे में कहते हैं मैं मुझे जानता हूं लेकिन मैं नहीं हूं, ऐसे हो सकता है? तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव है वह चित्त है। इसीलिए कहते हैं यन्मूलम सर्वलोकानाम यन्मूलम चित्त बंधनम। ये जो चित्त है इसका जो मूल है वो चित्त है, वो अपना स्वरूप है, उसको कहते हैं मूल बंध। माने अपने चित्त को अपने मन को इस परमात्मा में लगा के रखना, वही हो गया असली मूल बंध। वहां बांध के रखो खूंटी के जैसे, घुमा फिरा करके वहीं आ जाओ। हम आपको एक दो उदाहरण देंगे इसके बारे में। पहला उदाहरण हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसा 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 दूसरा कोई सोचता ही नहीं, उसी प्रकार से प्रिय लागहु मोहि राम, उसी प्रकार से मेरा मन प्रभु में हमेशा लगा रहे। ये है अपने मन को खूंटी से बांध देना। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन को प्रभु रामचंद्र में लगा दो। अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। हर जगह में उसी तत्व का अनुभव होता है। ये उदाहरण हमने आपको दिए है कई बार, ट्राई करो रिवाइज करने का। आप यदि गंगा जी के किनारे खड़े हो और गंगा जी बह रही है शांत एकदम, ऋषिकेश में तो दौड़ती भागती है, जैसे हरिद्वार आ जाती है हर की पौड़ी से निकली फिर एकदम शांत चल रही है, कोई भीड़ भड़क का नहीं। तो उसमें पानी की गति एक दिशा में सरल सहज संत है, एक गति पानी की। उस बहते हुए पानी में भौरे दिखते हैं, उन भौरों में पानी की दूसरी गति है। देखो पानी जब स्थिर होता है जैसे तालाब में या अपनी बकेट में, तो वहां भौरे नहीं होते, केवल बहते हुए पानी में ही भौरे होते हैं। देखो और उस पानी में समझो कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई कीड़ा या कोई जानवर पानी में बहता आ रहा हो, उसको कोई परेशानी नहीं, पड़ा है और चल रहा आराम से। लेकिन यदि वो बहते बहते किसी भौरे में आ गया तो फिर उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स से वो वस्तु को भौरा अपने अंदर खींच लेगा और वहां उस वस्तु के लिए बड़ी कठिनाई है, बड़ी परेशानी है, और फिर ईश्वर के अनुग्रह से उस भौरे से बाहर निकल आ गए, फिर बहना शुरू हो गया, फिर दूसरा भौरा आया, गुनगुना रहे भौरे, फिर उसमें आ गए, फिर खींच गए नीचे, देखो फिर उसमें से निकल गए। ध्यान से सुनना, जन्म से मृत्यु तक ये गंगा जी की धारा एक दिशा में सहज सरल संत बह रही है, उसमें देहात्म भाव का भौरा आ गया। जहां देहात्म भाव का भौरा आ गया वहां हम देह हमें ऐसे खींचे गए सेंट्रीपिटल फोर्स से, उसमें फिर सफोकेट होने लग गए, परेशान होने लग गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, और परेशान होकर के फिर सबको त्याग दिया और खर्राटे मार के सो गए। माने फिर ये जीवन की धारा बह रही है,
फिर कोई परेशानी नहीं है। जब आप साउंड स्लीप में होते हैं तो आपको परेशानी नहीं, समाज को परेशानी होती है। फिर उठ गए, फिर दूसरे भौरे के साथ तादाद में हो गए, फिर उसमें खींच गए, फिर संसार के सुख दुख, फिर सो गए, फिर वही जीवन की धारा बह रही है प्रारंभ से लेकर के अंत तक। 2-4-6 घंटे शांत है, फिर तादाद में हो गया, फिर खींचे गए, ये रोज का अनुभव है ना। अब जो व्यक्ति अपने इस अनुभूति से नहीं सीख सकता, कौन उसको क्या सिखा सकता है। मूल बंध ये है। हम क्या करते हैं, ये भौरों के साथ बांधे गए हैं। हमारा बंध हो किसके साथ, तत्व के साथ, ये जीवन अखंड चल रहा है। देखो, इस जीवन के कारण ही सुख भी संभव है, दुख भी संभव है, रोग भी संभव है और स्वास्थ्य भी संभव है। इन सब का जो आधार है, सभी द्वंद्वों का जो आधार है, वो मूल बंध है। अपने चित्त को उस मूल में लगा देना, यही असली मूल बंध है। केवल यहां का छेद बंद करो, वहां का छेद, सब छेद बंद करो, छेद बंद करने से कुछ नहीं होता। तो यन्मूलम सर्वलोकानाम, यन्मूलम चित्त बंधनम, यन्मूल बंध सदा सेव्यः योग्यो असौ ब्रह्मवादिनाम। तो ये किसके लिए है, जो इस ज्ञान के मार्ग पर तत्व चिंतन में लगे उनके लिए। नहीं तो हमेशा ऐसे ही करते रहो, ये इधर दबाओ उधर दबाओ, अंदर खींचो और फिर क्या, कैसा लगा, बड़ा मजा आया। और आप जो भी चाहो वैसे हो सकता है। आप शांत बैठो और बड़ी एकाग्रता से, नॉट अवेयरनेस, बड़ी एकाग्रता से ऐसा शुरू करो कि मैं अपने कानों में अपने हृदय की धड़कन सुन रहा हूं। आपको निश्चित सुनने को मिलेगी। फिर कानों से हट जाओ, अब मैं अपने हृदय की धड़कन हृदय में ही सुन रहा हूं। मन की एकाग्रता की इतनी शक्ति है कि जो चाहे आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन ये सब मानसिक प्रत्यय होगा, ये तत्व नहीं है। तो हमको मन को मिटाना है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदा, प्राण बंधनात् लीयते मनः। प्राणों के बंधन से मन शांत होता है, मन नष्ट नहीं होता। जैसे सो गए, उठने के बाद फिर वही तमाकू वही चूना, फिर तादाद में हो गया देह से, फिर सो गए, फिर मन शांत हो गया, तब तक के मजा ही मजा है, फिर जगे फिर वही। ये कोई अध्यात्म है? अपने मन को नष्ट करना है। मन को नष्ट करना है माने क्या, मन की दो बातें हैं। एक है मन के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, और दूसरी बात यह है कि ज्ञान को ग्रहण करने के पश्चात हमारा मन उसको लेकर के कोई ना कोई संकल्प विकल्प का जाल फैलाता है। किसी वस्तु को देखो तो कोई समस्या नहीं, वस्तु को देखने के बाद फिर कल्पना शुरू होती है, ये वस्तु सुंदर है, ये वस्तु आवश्यक है, ये वस्तु सुख का साधन है, इस वस्तु के अभाव में मैं अपूर्ण हूं, कोई भी कुछ भी करे लेकिन ये वस्तु मुझे प्राप्त होनी ही चाहिए, ये वस्तु नहीं मिली तो जी के क्या करेंगे। तो वस्तु को देखना, यहां तक हम परमात्मा के साम्राज्य में है। विषय परमात्मा की उपलब्ध क्रिएशन, इंद्रिय परमात्मा ने निर्माण किए,
उसमें ज्ञान हुआ विषय का, वो भी परमात्मा का क्षेत्र है। उसके बाद हम अपनी दुनिया शुरू करते हैं, और वो दुनिया क्या है, व्हेन परसेप्शन इज फॉलोड बाय प्रोजेक्शन, स्टॉप दैट प्रोजेक्शन हैबिट। देखो तब जाकर के हमने मूल बंध लगाया है, तो मूल में तो जाएंगे नहीं। देखो ये मूल शब्द कितने जगह आता है, ऊर्ध्व मूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अच्छा महाराज, अंगानाम समताम विद्यात समे ब्रह्मणि लीयते नोचेन समानत्वम रुजुत्वम शुष्क वृक्षवत। अंगानाम समताम समे ब्रह्मणि लीयते विद्यात। अब ध्यान से सुनना, कठोपनिषद में आखिरी आखिरी में जाकर के एक मंत्र आता है जिसमें कहते हैं सभी के सभी इंद्रिय, सभी के सभी इंद्रियों के देवता अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। और जग गए तो फिर वो बाहर आ गए और दुनिया शुरू हो गई। पहली बार उसको कहते हैं कि एक प्रकार का लय होना। यहां उसके कारण शरीर जो है वो एकदम शांत हो गया, मन शांत हो गया, तो मन को चैतन्य में डिजॉल्व करके जो जीवन में समानता, सहजता, सरलता आ जाती है उसको कहते हैं समत्व। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, हमको बताते हैं कि एकदम ठीक से बैठो, नीचे को नहीं हिलना, ऊपर को नहीं हिलना, और एकदम स्थिर हो जाओ, किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं, एकदम शांत बैठे। इसके बारे में कहते हैं कि अंगानाम समताम विद्या समय ब्रह्मणि लीयते न चेत। यदि ये नहीं हुआ, माने यदि हमारा मन चैतन्य में एक नहीं हो गया, तो समानत्वम रुजुत्वम, समान समत्व और रुजुत्व माने सरलत्व, कोई क्रुकेडनेस नहीं, ये कैसा है, शुष्क वृक्षवत, सूखा हुआ पेड़ जैसे शांत रहता है, मरा मरा सा। उसी प्रकार से केवल शरीर को स्थिर करके रखना, इससे कुछ मतलब नहीं। ध्यान से सुनना, यदि अध्यात्म का तात्पर्य ये हो कि आंखें खुली है लेकिन दिखता नहीं, तो आप अंधे हो या अध्यात्म नहीं है। कान खुले हैं इनको सुन नहीं रहे तो बहरे हो या अध्यात्म नहीं है। एकदम सीधे बैठे हो, बिल्कुल नहीं हिलते, इसका मतलब अध्यात्म नहीं है, आपके कमर में पट्टा है। देखो यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्या है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं, यह अध्यात्म है। ये तो अध्यात्म माने रोग हो जाएगा, क्या करूं यार, जब से मैंने ब्राह्मण को पहचान लिया है ना, हर जगह वही दिखता है। कमरे से बाहर निकलने का ट्राई करो, दीवालों को ठोक ठोक करके दीवालों में छेद हो गए, क्योंकि दीवाल और दरवाजा भेद समाप्त हो गए, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसी बेवकूफी नहीं होती। इसीलिए अंगानाम समतान विद्यात समय ब्रह्मणि लीयते, क्योंकि हम अपने स्वरूप पे निष्ठान हो गए, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, हाथ यहाँ है, हाथ वहां है, चल रहे हैं, बैठे हैं, मन में विचार आए नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें आना नहीं आना, समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं। बहुत सारी लहरें आ गई तो समुद्र अमीर हो गया क्या, और यदि लहरें खत्म हो गई तो बिचारा गरीब हो गया, नहीं, कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से जगत का ग्रहण हो रहा है तो कोई फर्क नहीं, होने दो,
मन में वृत्तियां आ रही है, आने दो, हु केयर्स। हमने आपको ये बताई थी बात, जगत में रहते समय दृष्टा भाव, मन के साथ रहते समय साक्षी भाव, और स्वरूप में रहते समय एकदम उदासीन भाव। तो वहां का क्या मंत्र है? जगत में रहते समय मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मन के साथ रहते समय अहम ब्रह्मास्मि, मैं वृत्तियां नहीं हूं, वृत्तियों को आने जाने दो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और अपने स्वरूप में रहते समय उस मंत्र का नाम है हू केयर्स। आने दो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये क्या फर्क पड़ता है, इतना जबरदस्त मंत्र है। क्योंकि स्वामी जी हमको समझ भी नहीं आता क्या फर्क पड़ता है। देखो वापस आ जाओ, बहुत भटक लिए हो। अंगानाम समताम विद्यात समय ब्रह्मण लीयते नो चेत नैव समानत्वम रुजुत्वम शुष्क वृक्षवत। नहीं तो पूरा जीवन इसी में लगे रहेंगे कि हम ऐसा आसन कर सकते, वैसा आसन कर सकते, और हम बैठने के लिए तकिया नहीं लेते, हम तो जमीन में गड्ढा करके वहां बैठ लेते, फिर करने के बाद बुझा देते हो कि नहीं। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना, इसका अध्यात्म के साथ कोई तात्पर्य नहीं। अच्छा महाराज, अब आगे कहते हैं, ये हो गई आसन की या शरीर का स्थैर्य। आगे कहते दृष्टि ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत सा सृष्टि परम उदारा न नासा ग्रावलोकिनी। जब बताते हैं ना योग शास्त्र में कि नासाग्र में दृष्टि रखो, तो फिर जो प्रश्न पूछने में माहिर होते हैं उनको हर चीज को लेकर प्रश्न आता है। जैसे हम कई घरों में जाते हैं ना, कोई कोई माताओं को प्रश्न पूछने का रोग होता है। अब हम पानी देने जा रहा, अच्छा स्वामी जी पानी ठंडा दू कि गर्म दू, उबला दू कि नुबला दू, अरे राम जो है ले आओ यार, हजार प्रश्न पूछेंगे क्योंकि विकल्प बहुत चल रहे मन में। तो यहां बता दें कि नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। हम ये नाक के दो एंड है, एक ये एंड है, एक दूसरा एंड है, दो में से कहां रखे? थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर वहां, सबको खुश रखना है ना। नासाग्र की दृष्टि का तात्पर्य अपने आंखों को नाक के सामने लाकर के पागल के जैसे बैठना नहीं है। देखो क्रॉस रोड हो जाएगा आखिर में जाकर के। नासाग्र का तात्पर्य है जैसा कहते हैं ना, नाक के सीध में चलो तो क्या नाक से लाइन खींचो तो फिर चलो, माने बी कमिटेड टू द कॉज, उसके सिवा और कुछ नहीं। जब हम अपने नाक की तरफ देखेंगे इधर उधर की बातें दिखेगी नहीं फिर, माने इस जगत में जिसके लिए हम आए हैं केवल वही जीवन का एकमात्र लक्ष्य, बाकी सब व्यर्थ है। तो किस लिए आए हम इस जगत में? अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने का मौका दे। वो परेशान है बेचारा, उसको हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, और वो प्रकट होना चाहता है। जहां भी जाता है वहां मैं बैठा है, हाथ स्वार्थ में लगे हैं और वाणी आत्मश्लाघा में लगी है, कान दूसरों की निंदा सुनने में मजा लेते हैं, ये सब खाली कर दो। जहां से पहले यहां मैं प्रकट होता था वहीं से प्रभु प्रकट हो गए। जीवन का लक्ष्य परमात्मा का दर्शन नहीं, जीवन का लक्ष्य
अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने का मौका देना, ये लक्ष्य है। ये तो हमेशा ही देखो, मुझे उस दिन तो देखे थे भगवान एक जगह, हम स्थान नाम नहीं बताएंगे, उनके आश्रम में, हमारे अच्छे मित्र है वो, उनके आश्रम में एक विशेष तारीख को, ये कौन सा महीना, नवंबर की दिसंबर है, दिसंबर नहीं नवंबर के महीने की बात है, एक विशेष तारीख को बहुत बड़ा उत्सव होता है। उत्सव किस चीज का है? इस दिन महाराज जी को भगवान के दर्शन हुए थे, तो भगवान के दर्शन का दिन, बाकी के दिन, अरे यार बड़े मुश्किल से एक बार तो दिखे थे, बाकी का क्या करना है? इसके लिए एक सिद्धांत ध्यान में रखो, जो अनुभव, चाहे भगवान का दर्शन हो, जो अनुभव आकर के खत्म हो जाता है, ये केवल मन की कल्पना होता है। जिस अनुभूति में प्रारंभ नहीं, परिणाम नहीं और परिसमाप्ति नहीं, वो है तत्वदर्शन। जिस अनुभव में इंद्रिय मनोबुद्धि का व्यापार नहीं, वो है तत्वदर्शन। जिसको पहचानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं, वो है अपने स्वरूप का दर्शन। एक पत्नी को मैं स्त्री हूं, इस अनुभव के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? पत्नी का रोल प्ले करे लेकिन जिए स्त्री के जैसी, पति का रोल प्ले करे लेकिन जिए आदमी के जैसे। देखो, श्रोता का रोल प्ले करे लेकिन सो जाए, चॉइस है अपना, रोल प्ले करो, ज्यादा सीरियस मत होना। इसीलिए दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत न नासाग्रावलोकिनी, ये नाक के तरफ देखना ये दृष्टि नहीं है। तो कौन सी है? दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा, अपने दृष्टि में ज्ञान का प्राधान्य हो, ना कि क्रिया का। फिर क्या है? पश्येत ब्रह्ममयम जगत, ये संपूर्ण जगत केवल परमात्मा मात्र है, उसमें हम भी आ गए। कर्म बताएगा पापो हम पाप कर्मा हम, योग बताएगा कि मैं जीव हूं, उपासक बताएगा, उपासना बताएगी कि मैं पापी हूं, मुझे भगवान के दर्शन दो, मेरे सब गुनाह माफ कर दो, और ज्ञान बताएगा आप साक्षात परमात्मा हो। ध्यान से सुनना, मैं देह हूं यह मानते ही तो है, जानते कहां है। मैं सुंदर हूं ये हम ही मानते, दूसरे थोड़ी कहते। देखो, हम चाइना में थे तो उस समय मुझे एक चीज का बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, और फिर वो हमने देखा कहां कहां है ये। जहां जीसस पैदा हो गए थे वहां के लोगों के सभी फीचर्स शार्प है, वही जीसस की मूर्ति या चित्र केरला में बनाते हैं तो गुरुवायूर अप्पा के जैसे जीसस है। उनके यहां वो थॉर्न्स का है, यहां चंदन का है, लेकिन चेहरा गुरुवायूर अप्पा। वहां से निकले पुअर जीसस और पहुंच गए चाइना, एक बाल यहां एक बाल यहां और आंखें स्लिट की जैसी नहीं भी। अरे रो रहे कि हंस रहे समझ नहीं भी आता। देखो, केवल कल्पना मात्र है। तो चाइनीज लोगों के लिए वो बड़ा सौंदर्य है, तो ये कल्पना ही है कि मैं सुंदर हूं मैं सुंदर नहीं हूं। तो मैं देह हूं ये कल्पना,
मैं सुंदर हूं ये कल्पना, मैं इंटेलिजेंट हूं ये कल्पना, मैं अमीर हूं ये कल्पना। अरे कल्पना ही करनी है ना, तो ऐसी क्यों ना कर कि मैं ब्रह्म हूं। ये करने के लिए कोई खर्चा आता है क्या? नहीं नहीं मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं तो बेवकूफ हूं। अरे बेवकूफ ब्रह्म। एक छोटे बच्चे से मैंने ये बात सीखी। हम किसी के यहां थे, नाश्ता कर रहे थे, और उतने में हमारे मित्र को कुछ फोन आ गया, वो चले गए। जैसे वो चले गए तो पत्नी को मौका मिला, मैं वो और उसका बच्चा, हम तीनों बैठे थे पराठा खा रहे थे। तो पत्नी ने शुरू कर दिया कि स्वामी जी हमारे ये जो है ना इनमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। ध्यान से सुनना, जब पत्नी पति की तारीफ शुरू करना शुरू कर देती है तब कुछ ना कोई बम गोला आने वाला है। तो उसने कहा इनमें कोई दुर्गुण नहीं है, मदिरा पान नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, क्लबों में नहीं जाते, गालियां नहीं देते, कुछ नहीं करते, बड़े शांत है, भगवान का नाम इत्यादि लेते हैं, और बड़े पाप भीरू है, गड़बड़ नहीं करते। लेकिन पहला जो कहा सब वॉश आउट हो गए एक शब्द से। लेकिन इनको जब गुस्सा आता है तो एकदम ये राक्षस बन जाते हैं। क्या करें? आप किसी को पराठा खिलाओ तो इसका मतलब ये है चटनी की जगह में ये दे दिया। तो उस समय हम केनोपनिषद का विषय चिंतन चल रहा था, उसमें मंत्र आता है कि तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। ये ब्रह्म की जो बात कर रहे हैं ना, ये ब्रह्म तुम स्वयं हो। तो बोले तो क्या हो गया? तो बच्चा कहता है देखो स्वामी जी ने कहा ना कि तुम ब्रह्म हो। हाँ बोले तुम ही थोड़ी हो, सभी ब्रह्म है। तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हो, स्वामी जी ब्रह्म है, पापा ब्रह्म है। बोले जैसे चॉकलेट के डिफरेंट ब्रांड होते हैं ना, वैसे अपने पापा जो है ना वो एंग्री ब्रांड ब्रह्मन है, लेकिन है ब्रह्मन ही। कितनी बड़ी बात है। देखो हमारा ध्यान केवल उपाधि की तरफ जाता है, उपाधि से हटो स्वरूप में पहुंच जाओगे। मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं बाप, मां मां, ये सब उपाधियों की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार से मैं अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये उपाधियां है। इन उपाधियों से मुक्त होना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा और पश्येत ब्रह्ममयम जगत। यदि हमने अपने आप को शरीर माना है तो जगत को भी शरीर ही देखेंगे। यदि हमने अपने आप को इंडियन माना है तो जगत को इंडियन नॉन इंडियन देखेंगे, क्योंकि उपाधि में फंसे हैं। तो उपाधि रहित जो सत्ता है सा दृष्टि परमोदारा, यह जो दृष्टि है यही परम उदार दृष्टि है। देखो उदार किसको कहते हैं? अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो तेरा तेरा मेरा मेरा में फंसे है वो लघु चेतसाम, उनका दिल चूहे के जैसा है। उदार हृदयानाम तु, जिनका दिल बड़ा है उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व अपना ही तो है। अरे मैं नहीं तो विश्व नहीं है। देखो तो जितना हमारा हृदय बड़ा होगा उतना हम सबको अपने में समेट लेंगे, यही वास्तविक दृष्टि है। इसीलिए जो दृष्टि अनेकता का प्रतिपादन करती है, जो दृष्टि अनेकता का समर्थन करती है, और जो दृष्टि अनेकता को जस्टिफाई करती है, वो लघु चेतसाम, वो चूहे के दिल के है। और जो सब में केवल एक ही तत्व का दर्शन करके उस एकत्व का दर्शन करते हैं वही अध्यात्म के साधक है, मार्ग पर चल रहे,
बाकी लोग पकोड़े खाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम।